नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे पैरों में जो सूजन आ जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोगों के पैरों में सूजन होती है, जब वो उंगली दबाते हैं तो वो एक गड्ढा नुमा बन जाता है। दोस्तों उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे, क्यों होती है ये सूजन और क्या उसमें कारण होता है, और साथ ही साथ दोस्तों उसकी होम्योपैथी मेडिसिन बताएंगे, उसका कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करना है, कितनी डोज लेनी है, उसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं पैरों के सूजन को कैसे हम ठीक करें। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे पैरों की सूजन को कैसे ठीक किया जाए होम्योपैथी से। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जिनकी उम्र 50 या 55 साल की होती है, बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके आपने देखा होगा पैरों में अक्सर सूजन सी होती है, बल्कि लोअर लिंग पर ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर जब भी आप गड्ढा या मतलब जैसे कि उंगली दबाते हैं, मैं उसकी पिच लगा देता हूँ कैसा आपको फील होगा, जब आप उस चीज़ को वहाँ पर उंगली से पिक करते हैं दबाते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि गड्ढा पड़ जाता है, तो सूजन आपको पता लगे। दोस्तों ये होता क्यों है? अक्सर लोगों में ये बुजुर्गों में देखा गया है कि पैरों में उनकी ज़्यादातर सूजन आ ही जाती है। दोस्तों इसके कारण क्या होता है, मैं उसका कारण बता देता हूँ। दोस्तों अक्सर लोग 55 साल की उम्र में पहुंचते बुजुर्ग हो जाते हैं और उनकी जो नसें होती हैं वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती। दोस्तों जो वेन्स होती हैं यानी नसें होती हैं उनमें जो वाल्व्स होते हैं लोअर लिम्ब में ब्लड को फ्लो करने के लिए जो वाल्व्स लगे होते हैं, कि जैसे ऊपर का ब्लड जब नीचे जाता है तो थोड़ी देर रुकता है फिर नीचे बढ़ता है वरना, और जैसे नीचे का ब्लड जब ऊपर की ओर हार्ट की तरफ वापस जाता है तब उसमें वाल्व्स प्रेशर अपने लगाते हैं। दोस्तों जो वॉल्व्स होते हैं वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं यानी वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से सर्कुलेशन नहीं हो पाता। दोस्तों क्योंकि उम्र जब बढ़ती है ढलती है मतलब 55-60 से ऊपर पहुंच जाती है, तो दोस्तों अक्सर ये होता है। और कई लोगों में देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा पैरों को लटका के ज़्यादा बैठते हैं, जैसे चेयर पर बैठते हैं पैर नीचे रखते हैं, तो दोस्तों उनमें सूजन आ ही जाती है। इसलिए उनके लिए एक मैं प्रिकॉशन भी बता देता हूँ क्या करना है। जैसे कि अगर आप कुर्सी पर बैठते हैं तो उस पर आगे एक छोटे से स्टूल वगैरह रख लें, जिससे पैर आपको बिल्कुल स्ट्रेट रख लें ताकि सूजन आपको नहीं होगी और ब्लड का सर्कुलेशन जो है फ्लो अच्छे से होता रहेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी फुट स्वेलिंग का जो होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है उसको कैसे बनाना है, कौन सा मदर टिंचर यूज करना है, उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। दोस्तों इसमें तीन हमारे मदर टिंचर आते हैं, तीन। पहला होता है दोस्तों सॉलिडेगो का मदर टिंचर, दूसरा होता है बरोविया डिफ्यूजर का, और तीसरा होता है आर्टिका यूरिन्स का। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिडेगो मदर टिंचर के बारे में। दोस्तों ये जो मदर टिंचर है बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसमें क्या होता है, किसी को शरीर में ज़्यादा इकट्ठे पानी होने लगता है, वो भी कभी कभार होता है, तो यूरिन को फ्लो को बढ़ाता है, शरीर से एक्स्ट्रा जो यूरिन होता है यानी पानी होता है वो यूरिन के थ्रू उसको निकाल देता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है। मतलब जो ब्लड गाढ़ा रहता है वो भी पतला होना शुरू होता है, और ब्लड जो सर्कुलेशन है जो नसों में धीरे धीरे बहता है या फिर बल्ब्स की वजह से दिक्कत आ गई तो वो ब्लड को बढ़ाता है, जिससे उनका प्रॉपर ब्लड फ्लो होने लगता है और उसी के दौरान स्वेलिंग भी ठीक होने लगती है। दोस्तों दूसरे हमारे मदर टिंचर आता है बरोविया डिफ्यूजा का। दोस्तों ये भी एक मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है, पैरों की सूजन के लिए इतना कारगर है कि आपको अगर डायबिटीज़ भी है और साथ में प्लस सूजन भी है, मतलब सूजन में और प्लस डायबिटीज़ भी, अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हैं और आपको लंबे समय से है तो आपकी सूजन और शुगर लेवल दोनों को कंट्रोल में करता है, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। दोस्तों तीसरा हमारा मदर टिंचर आर्टिका यूरिन्स का। दोस्तों जब हमारा किडनी रेनल फंक्शन का जो दिक्कत होती है किडनी में उसको इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से हमको गठिया हो जाता है, मतलब जब भी हमारा यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ता है गठिया हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो पेन होना शुरू हो जाता है ज्वाइंट्सों में, तो दोस्तों आर्टिका यूरिन्स उस चीज़ को ठीक करता है और उनको कंट्रोल में करता है, जो कि दोस्तों आपका यूरिक एसिड अगर बॉडी में बढ़ जाता है जिसकी वजह से भी आपको सूजन आनी स्टार्ट हो जाती जोड़ों में, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। दोस्तों ये तीनों जो मदर टिंचर थे हमारे बहुत ही कारगर हैं और इफेक्टिव हैं। दोस्तों सॉलिडेगो बरोविया डिफ्यूजा एंड आर्टिका यूरिन्स। दोस्तों अब इनको बनाना कैसे है, ये एक कॉम्बिनेशन बनाना है आपको।
दोस्तों ये आपको रेकवैक कंपनी के सील्ड पैक्ड मेडिसिन लेनी है, मतलब सील्ड लगी हुई है, ओपन वाली नहीं लेनी है आपने। जर्मन कंपनी रेकवैक की सील्ड पैक तीनों मरा टिंचर आपको लेने हैं, ये 30-30 ml के आते हैं दोस्तों। एक आपको 100 ml की खाली बाइल ले लेनी है वहीं से। अब आपको ये तीनों मरा टिंचर एक बाइल में इकट्ठा करके मिला लेना 30-30 ml, 90 ml आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों। अब इन मदर टिंचर को 20-20 बूंदे दिन में 3 बार आपको लेनी है, सुबेरे, शाम और दोपहर, ठीक है। 1/4 कप पानी ले लें, उसमें 20 बूंदे डालने, सुबेरे पीना है, दोपहर में पीना और शाम को पीना, यानी 3 समय आपको ये सेवन करना है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये लंबे समय से ज़्यादा सूजन है तो दोस्तों कम से कम 15 से 1 महीने या फिर 1.5 महीने तक आपको यूज करना है, जिससे आपकी सूजन है वो धीरे धीरे आपकी घटी पता लग जाएगा। और जिनको जल्दी ही सूजन आपको स्टार्ट हुई तो दोस्तों वो 20-20 बूंदे दिन में 3 बार ले लें और वो 15 दिन तक कंटिन्यू लें और उनको अपने आप ही फील होने लगे कि उनकी जो सूजन है बहुत ही कम हो गई है। और जिनको डायबिटीज भी रहती है, इनका शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो दोस्तों उसके लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है। मेनली ये सूजन के लिए होता है जो हमारे पैरों में ज़्यादातर सोए आती है, जो ओल्ड एज में जिनको ज़्यादा दिक्कत आती है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन का जरूर बटन दबाएं दोस्तों। जब तक आप बेल आइकन का बटन नहीं दबाएंगे तब तक मेरे जो नोटिफिकेशन है आप तक नहीं पहुँच सकेंगे दोस्तों। मैं ऐसे ही दोस्तों नॉलेजेबल डिजीज से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको पहुँचाता रहता हूँ, जिससे आपको घर बैठे मेडिसिन पता लग जाए और आप घर बैठे उसका इलाज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी होती है या कोई परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्प्ले पर व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी आती रहती है तो आप उसके माध्यम से भी हमको अवगत करा सकते हैं। अब दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।